नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आनंद कुमार, संस्कार कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज 2018 में आईटीआई में पूछे गए सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के हल प्रश्न पत्रों के प्रथम पाठ के साथ मैं आया हूं। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन बातें हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो आपसे ये पूछ रहा है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है या फिर टेबल शर्करा किसे कहा जाता है, ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो जो टेबल शर्करा है वो टेबल शर्करा सुक्रोज को कहा जाता है। टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज। तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। इससे कुछ डिटेल्स जो जुड़ा हुआ है मैंने यहाँ बता दिया है, क्योंकि हर वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन के साथ कुछ डिटेल दिया है। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। अगर ये पूछे कि सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C12H22O11। दूसरा है, इसे साधारण भाषा में चीनी कहा जाता है, याद रखिएगा। चीनी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। चीनी को ही हम लोग क्या बोला जा सकता है? टेबल शर्करा भी बोला जा सकता है। चीनी का रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो C12H22O11 भी कहा जा सकता है। चलिए इसके बाद कुछ डिटेल्स है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, याद रखिएगा भाई लोग। चीनी का C12H22O11, लेकिन ग्लूकोज का पूछे तो C6H12O6 होता है। उपर्युक्त सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, डिटेल्स इसका मैं एक अलग वीडियो में डालूंगा। चलिए उसके बाद है, NaCl को टेबल साल्ट कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि टेबल शुगर तो या टेबल शर्करा या टेबल शुगर, चीनी को यानी सुक्रोज को कहा जाता है, लेकिन टेबल साल्ट अगर पूछे कि किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाएगा? NaCl को कहा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके पास लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, राइबोज। आपके पास चार ऑप्शन है। क्या है यहाँ देखते हैं, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ही दूध क्या होता है? मीठा होता है। चलिए ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रुक्टोज जो है ना, फल शर्करा कहा जाता है। सो फ्रक्टोज जो है फलों में पाया जाता है, तो फलों का जो स्वाद होता है ना वो मीठा फ्रक्टोज के कारण होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिटेल्स में, लैक्टोज दूध में पाया जाता है, माल्टोज अनाज से प्राप्त होता है, जैसे गेहूं के रोटी वगैरह आप खाते हो तो उससे क्या प्राप्त होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? माल्टोज प्राप्त होता है। गेहूं की रोटी हम लोग खाते हैं तो हमारे लार में जो पाया जाता है टाइलिन, उससे शर्करा को माल्टोज में ही बदलता है, याद रखिएगा इस बात को। फिर है क्या कि फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि फलों में पाया जाता है इसलिए फल शर्करा भी इसे कहा जाता है। फिर क्या है कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। अगर पूछा जाए कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट या सबसे मीठा शर्करा, तो वो कौन सा है? फ्रक्टोज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि निम्न में कौन संघीय सरकार की एक विशेषता है। हम लोग को जो भारत में सरकार है ना वो संघीय सरकार है। इसकी विशेषता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का वितरण, एकल वितरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का वितरण। जैसे कि हम लोग जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ 2 प्रकार के सरकार की व्यवस्था की गई है। जनरली संघ स्तर पर अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकार को भी पंचायती स्तर पर बांट दिया गया है, ताकि जो कोई भी भारत में रह रहे हों उनकी आवाज़ सीधे सरकार के पास क्या हो सके? पहुँच सके, उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इनकी सबसे जो भारत की संघीय सरकार की विशेषता है ना, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का वितरण कर दिया गया है। बहुत सारे अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हैं तो बहुत सारे अधिकार केंद्र सरकार को भी प्राप्त हैं। इसमें क्या है ना, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का वितरण जो है ना, ये जो है ना संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। पिछले वीडियो में मैंने भी ये बताया है। कुछ डिटेल्स ये है, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन किया गया है, संसद की बात की गई है, तो अनुच्छेद किस में? 79 में। फिर न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 में है, यानी अनुच्छेद 124 में ये बताया गया है कि भारत में न्याय को देखने के लिए एक न्यायपालिका का गठन होगा। चलिए फिर नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 5 भाग 2, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो लोग भारत में रह रहे थे वो कहाँ के सदस्य होंगे? भारत के सदस्य माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे।
इसमें बताया है मैंने भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, अगर पूछे कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, 395, बढ़कर के तो अब 463 से भी अधिक हो गई है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है ये 395 अनुच्छेद, भाग की संख्या 22 एवं अनुसूची कितने हैं 12 हैं, अनुसूची कितने हैं भारतीय संविधान में 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा चलने के कारण उड़ जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, तो वित्तीय आपात लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में वित्तीय अनुपात लागू करने का प्रावधान है भारत में, और वित्तीय आपात कौन लागू कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति। यहाँ है ना, भारत में जो आपातकाल है ना, तीन प्रकार के आपातकाल है, पहला मैंने बताया है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, फिर राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 जो कि ऑप्शन आपका कौन सा था, सी था। यहाँ मैंने ये बताया है कि राष्ट्रीय आपात अब तक 1962, 1971 एवं 1975 अर्थात तीन बार लगाया चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में तीन बार लगाया चुका है, ये बाहरी आक्रमण युद्ध के समय या आंतरिक कलह जब होता है, जिसे अब 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, इन समय में हो सकता है। तो 1962 के समय में भारत चीन का युद्ध था, तब लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब लगाया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तब आंतरिक कलह के कारण देश में लगाया गया था आपातकाल, जबकि वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है, और राष्ट्रपति शासन तो कई बार विभिन्न राज्यों में लगाया जा चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज अगर बात किया जाए कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन ज़्यादा लगा है, तो याद रखिएगा वो इंदिरा गांधी थी, और 49 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 49 बार लगा है, इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिस बाजार संरचना में केवल खाली स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार, एकाधिकार यानी एक का अधिकार होगा, तो उस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अर्थात एक विक्रेता होगा तो उसमें एकाधिकार होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचेंगे, 6 में आएंगे। कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन एक प्रसिद्ध गायक है, ऑप्शन है आपके पास कौशल्या रेड्डी, मंजीत बाबा, पंडित जसराज, रवि शर्मा। तो इनमें सबको पता है आप लोग को कि पंडित जसराज जो थे ना, भारत में प्रसिद्ध गायक थे, क्या थे, प्रसिद्ध गायक थे। 1990 में इन्हें पद्म भूषण एवं 2000 में पद्म विभूषण दिया गया। आपको कभी कभी 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ देगा कि कौन इनमें पद्म भूषण प्राप्त हैं, किनको प्राप्त हुआ किनको नहीं हुआ, तो याद रखिएगा पंडित जसराज को 1990 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा वॉलीबॉल के एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिया है, देखिएगा हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल तीनों में कितना कितना खिलाड़ी, 11। आसानी से याद कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आने वाले आईटीआई के एग्जाम्स में 2020 में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसमें पूछ सकता है। यार रग्बी फुटबॉल पूछे तो 15, रग्बी फुटबॉल में कितना, 15। खो खो और बेसबॉल 9। ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, जब किसी को खांसी होती है तो बोलता है खोख रहे हो, तो नहीं, नो नो नो, खो खो नो नो, यानी कितना, खो खो में 9। जब क्रिकेट खेलते हो तो ये बोला जाता है कि अरे वाह वाह बेसबॉल है, अपनी देहाती में बढ़िया बॉल है, बेसबॉल है, अरे नो नो यार नहीं बेसबॉल नहीं है, यानी खो खो नो नो बेस, तो नो 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 बेसबॉल नहीं है। तो इस तरह से खो खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो कबड्डी में 7 खिलाड़ी, याद रखिएगा वाटर पोलो और कबड्डी में कितने खिलाड़ी, 7। तो याद रखेंगे जब हम लोग लिखते हैं वाटर पोलो इस तरह से, तो 5 लेटर इसमें और 2 लेटर, कितने लेटर, 7 लेटर। कबड्डी लिखते हैं KABADDI, तो कबड्डी में भी कितने लेटर हैं, 7। तो लेटर की संख्या से याद कर लेंगे, वाटर पोलो कबड्डी में कितने, 7 खिलाड़ी। पोलो में कितना, 4, क्योंकि पोलो लिखते हैं POLO, पोलो को 4 लेटर में लिखेंगे तो 4 खिलाड़ी इसमें हुआ। टेबल टेनिस या टेनिस, एक या दो, जब सिंगल एकल मुकाबला होता है तो उसमें एक एक खिलाड़ी होते हैं दोनों तरफ, लेकिन टेबल टेनिस या टेनिस में जब युगल मुकाबला होता है तब दोनों तरफ कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, दो दो खिलाड़ी होते हैं। जिमनास्टिक, नास्टिक, जिमनास्टिक 8 से जैसे लग रहा है मिलता जुलता शब्द है, तो इसमें कितने खिलाड़ी, 8। बास्केटबॉल 5, यानी टोकरे में कितने आम है भाई, तो 5 आम। बास्केट में कितने बॉल हैं, कितने आम हैं, तो कितने, 5। कुछ और डिटेल्स इसमें ना, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपसे ये पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जान, बहुत इंपॉर्टेंट है,
हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रिकेट का भगवान किन्हें कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिकेट में टेस्ट, वनडे, 20 सब में मिला करके 100 शतकों का शतक इन्होंने लगाया था। इन्होंने अपना, यह भी याद रखिएगा, इन्होंने अपना 100वां शतक शेर ए बांग्ला स्टेडियम में बांग्लादेश में लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के किस दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है? पहला, 9वां, 15वां, 30वां। तो याद रखिएगा, ये हर माह के 9वां दिन गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह के 9वां दिन क्या करता है ना, अपेक्षित इलाज एवं स्वास्थ्य जांच के सुविधा प्रदान करता है। इसमें है क्या ना कि यह अभियान 2016 में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये पूछा जाए कि सुरक्षित मातृत्व अभियान कब शुरू किया गया था 2016 में, भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत क्या होता है ना इसमें कि कुछ महिलाएं जो गर्भवती होती हैं ना, वो जोखिम भरी होती हैं, अर्थात उनकी डिलीवरी में समस्या होती है, कमजोरी या बहुत सारी कमी के कारण, पौष्टिक तत्वों के कारण। तो उन्हें जोखिम भरी गर्भवती महिलाओं को लाल स्टिकर देकर चिन्हित किया जाता है, और जो महिलाएं स्वस्थ होती हैं, जिन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, पौष्टिक आहार वगैरह की कमी नहीं होती, उन्हें हरा स्टिकर देकर के चिन्हित किया जाता है, और उसके अनुसार उनकी जाँच होती है और सुविधा प्रदान की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो भाई सबको याद है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में राज करने का जरिया बन गया था। 1947 में तो हम लोग भगा भी दिए उनको। 10 है, शुष्क बर्फ एक किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ किसका है? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हर्ट्ज तरंग की किस प्रकृति को मापता है? तो हर्ट्ज यानी HZ जो मात्रक है वो आवृत्ति का है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ये हो गया। 12 खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है, किस अम्ल के कारण? ऑप्शन आपका एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दूध जो खट्टा होता है ना, वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ये एसिटिक अम्ल होता है सिरका एवं फलों के रस में पाया जाता है। आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि सिरका एवं फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है एसिटिक? इमली एवं अंगूर में टार्ट्रिक, नींबू संतरा एवं खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल। उसके अलावा देखते हैं, लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी एवं बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, घास पत्ता एवं मूत्र में बेंजोइक अम्ल। घास पत्ता एवं मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। साथ में ये भी क्वेश्चन आता है कि मूत्र में कौन कौन से विटामिन पाया जाता हो, तो याद रखिएगा विटामिन B एवं C मूत्र में। मैं मूत्र की बात यहाँ कर रहा हूँ कि मूत्र में विटामिन B एवं C दोनों पाए जाते हैं। टमाटर एवं सारेल का वृक्ष ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा टमाटर एवं सारेल का वृक्ष में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर एवं सारेल का वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आगे का पॉइंट से इसमें कि टैनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल चाय में, यानी चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। कच्चा सेब या फल में मैलिक अम्ल। पाचक रस जो हम लोग के पेट में उधर में जो स्रावित होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। प्रोटीन में अमीनो अम्ल, कोई प्रोटीन प्राप्त करता है तो प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है? अमीनो अम्ल, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना अमीनो अम्ल का बना ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है ना हमारे जी में जो भोजन हम लोग करते हैं मुँह में, तो स्टार्च के पाचन में, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में। मैंने पहले ही बताया था एक बात, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये पूछे आपसे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 14 हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक द्वारा लिखी गई है? मीना अय्यर, राजकमल मुखर्जी, हेमा मालिनी, नन ऑफ दिस। तो ये राजकमल मुखर्जी द्वारा हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किताब लिखी गई है। और हेमा मालिनी तो लगभग 1970-80 के दशक में भारतीय बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती रही हैं। 15 सिक्सर मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस बल्लेबाज की आत्मकथा है? विराट कोहली, क्रिस गेल, दिलशान, डिविलियर्स। ये जो है ना सिक्सर मशीन क्रिस गेल की आत्मकथा है। भैया क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ का एक बहुत बड़ा स्टार बल्लेबाज जो कि लंबे लंबे छक्का मारता है, मैंने उसके कई मैचेस भी देखे हैं, वो खड़े खड़े लंबी लंबी शॉट खेल सकता है। चलिए इसके बाद है ना 281 एंड बियॉन्ड लक्ष्मण की आत्मकथा है, BBS लक्ष्मण जो कि संकट मोचन थे भारतीय टीम का, 281 एंड बियॉन्ड उनकी आत्मकथा है। उन्होंने बताया है
कि 2000 में जब ईडन गार्डन कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चल रही थी, तो कैसे राहुल द्रविड़ और वो खड़े होकर के भारत को फॉलो ऑन से निकाल कर पूरी तरह से मैच को पलटकर भारत को जो हार रहा था मैच वो जितला दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो किस में बदल रही होती है, गैस में बदल रही होती है। तो जलवाष्प में कौन सी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन आपके पास थे विशिष्ट ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा, नैनोपतीज। इसी के ही कारण है यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म जल से या भाप से किससे हाथ ज़्यादा जलेगा, तो गर्म जल के अपेक्षा भाप से ज़्यादा जलेगा क्योंकि भाप में क्या होता है ना, गुप्त ऊष्मा होता है। क्वेश्चन 17, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग होता है ना, ऑप्शन है आपके पास, तापमान, त्रिज्या, वायुमंडलीय दाब, दूरी। तारों का रंग होता है ना वो तापमान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। याद रखिएगा तारा में उच्च ताप होता है, तारा में निम्न ताप नहीं उच्च ताप होता है, उच्च ताप के कारण उसमें प्लाज्मा की उपस्थिति होती है। अगर ये पूछे कि तारा में कौन से अवस्था उपस्थित है, तो प्लाज्मा अवस्था उपस्थित है। प्लाज्मा जो है ना पदार्थ की चौथी अवस्था है, यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, प्लाज्मा। अगर पाँचवीं अवस्था पूछे तो BEC, क्या है, BEC, इस तरह से ये वाला BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जिसे कहा जाता है। फिर है सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जिसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन कहीं ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य क्या है, एक प्रकार का खगोलीय पिंड होते हुए सूर्य एक प्रकार का तारा है जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी नाभिक उसमें जुटते हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम नाभिक बनाता है और उससे क्या होता है ना, हम लोग को सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया या कौन सी अभिक्रिया के कारण हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। उसमें याद रखिएगा ये भी कि 71% हाइड्रोजन, 71% ये क्या है, हाइड्रोजन, और बाकी का 29% में हीलियम और अन्य गैसें भी हैं। चलिए इसमें और है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। सूर्य जो है ना पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है, इसीलिए सूर्य का जो गर्मी हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन सूर्य के बाद दूसरी अगर पूछा जाए तो वो कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अब याद रखो ये भाई कि अगर हमें कोई शपथ दिलाएगा तो हमसे तो सीनियर ही होगा ना, और राष्ट्रपति जो होते हैं ना भारत के सर्वोच्च पद पर, इनसे बड़ा कोई पद, राष्ट्रपति के पद से कोई भी बड़ा पद भारत में नहीं है, तो इनसे समानांतर इनके या फिर इनके जो सीनियर होंगे वही शपथ दिलाएंगे ना। ऑप्शन आपके पास PM, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये दोनों तो जूनियर हुए, गवर्नर जनरल, ये सब जूनियर हैं। इनके समानांतर के हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यही क्या होते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन है भैया मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुआ। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है जो कि गंगा नदी में पाई जाती है मुख्य रूप से, कहाँ पाई जाती है, भारत की गंगा नदी में। डिटेल्स मैंने दिया है यहाँ भी, सॉरी डिटेल्स दिया था, राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। अगर ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। हाँ, तो यहाँ मैं बता रहा था इसका ऑप्शन C था। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है, यानी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका है। 5 अक्टूबर 2009 को इसे भारत का जलीय जीव घोषित किया गया, यानी 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसे गंगा सूस के नाम से भी जाना जाता है, यानी डॉल्फिन को आप दूसरे शब्दों में गंगा सूस भी कह सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन है, मरकरी यानी पारा है क्या, ठोस धातु, ठोस अधातु, द्रव धातु, द्रव अधातु। धातु के पहचान के लिए बताया था जिसके नाम के अंत में UM होता है, जिसे इसका लैटिन नाम पारा का लिखते हैं तो हाइड्राजाइरम होता है। क्या होता है भाई, हाइड्राजाइरम, जिसका संकेत क्या है, HG, हाइड्राजाइरम, अंतिम में U आता है, अर्थात यह धातु है। तो पहला धातु तो होगा नहीं, और ये भी द्रव रूप में होता है, तो इस द्रव धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, द्रव धातु। यानी एकमात्र ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन सा है, पारा है। क्या है, पारा। डिटेल में द्रव रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है।
द्रव रूप में पाया जाने वाला धातु अगर पूछे तो पारा, लेकिन द्रव रूप में पाया जाने वाला अधातु अगर पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा भैया। चलिए, पारा का लैटिन नाम हाइड्राजायरम है, मैंने अभी बता रहा था, ये आपको बताया भी, हाइड्राजायरम है। संकेत इसका क्या हो जाएगा, HG हो जाएगा। पारा को एक चीज़ और याद रखना कि इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कई एग्जाम्स में कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पारा को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आगे बढ़ करके हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है। ओजोन छिद्र के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है। भैया ओजोन परत जो है ना वो हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सूर्य के आने वाले पराबैंगनी किरणों अगर किसी जीभ पर सीधे पड़ती है तो त्वचा कैंसर मोतियाबिंद जैसे भयानक बीमारी होती हैं, तो बचना होगा इनसे। तो किस क्या है ना किसके ऊपर में ना छिद्र हो जा रहा है, वो किस कारण हो रहा है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। CO2, SO2, CO यानी CFC, तो इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार CFC है, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। CFC यानी पूरा नाम पूछे क्लोरो फ्लोरो कार्बन। इसमें क्लोरीन यानी Cl2 क्लोरीन गैस पाया जाता है। Cl2 में कौन सा गैस पाया जाता है, क्लोरीन गैस। यही कारण है क्लोरीन गैस का एक परमाणु जो होता है ना ओजोन के 300,000 परमाणु को नष्ट करता है भैया, और इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि ओजोन परत तो क्षय होगा ही, और क्षय उसमें छिद्र हो चुका है अभी, लेकिन अगर प्रदूषण कम किया जाए तो वो भर सकता है, हम लोग बच सकते हैं, अन्यथा हम लोग की लाइफ भी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ मैंने बताया कि हम लोग जो शेविंग क्रीम यूज करते हैं यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो क्रीम, और साथ में चीज़ों को ठंडा करने के लिए गर्मी में रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं उससे भी CFC निकलता है भैया। अब सोचो हम लोग दाढ़ी बना करके खूब बनते हैं कि अरे भाई मैं तो बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, रेफ्रिजरेटर से ठंडी ठंडी यूज करते हैं, ठंडा स्प्राइट पेप्सी वगैरह पीते हैं, खूब खुश रहते हैं, लेकिन भैया सोचो वो ऊपर में जा करके ओजोन परत को नष्ट कर रहा है तो हानिकारक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है जिससे हम लोग को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा अपने आप को। तो शेविंग क्रीम रेफ्रिजरेटर से भी क्या निकलता है, CFC निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की, हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। याद रखना चाहिए कि हम लोग जो श्वसन करते हैं ना उसमें लेते क्या है ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है CO2 छोड़ते हैं। तो हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं ना उसमें CO2 की मात्रा, जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितना, 4% होती है। ऑप्शन कौन सा, ए हो जाएगा। ये CO2 को ना ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है तो CO2 को कहा जाता है। ये पूछे कि CO2 वायुमंडल में कितना प्रतिशत है तो 0.03%, कितना प्रतिशत, 0.03%। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार CO2 है, यानी जो विश्व में तापमान बढ़ रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, CO2 जिम्मेदार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक एवं CM वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति की तरह, लेकिन वो यूज कम करता है, इसलिए वो संवैधानिक प्रमुख है। सारे कार्य का संपादन जो किया जाता है वो CM एवं उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये शब्द याद रखिएगा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, CM होते हैं। भैया ये शब्द याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास कि सरदार वल्लभ भाई पटेल निम्न में किसके अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भाई कौन नहीं जानता है भाई को, भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। तो इन्हें जो अग्रणी थे, जो मुख्य भूमिका था इनका, बारदोली सत्याग्रह में था, इनमें से किसमें था, बारदोली सत्याग्रह। मैंने डिटेल्स में बताया कि भूदानो आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से था। अगले क्वेश्चन में आपसे ITI आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे था, तो विनोबा भावे से था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध जो मुंबई में हुआ शुरू, बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन में ये चीज़ कहा जा रहा था कि हम लोग स्वदेशी यूज करेंगे, जो देश में बनाई गई चीज़ें हैं उसको यूज करेंगे, विदेश की चीज़ें हम लोग यूज नहीं करेंगे। विदेश से बनाई जो बनाकर चीज़ें आई थी उनका बहिष्कार किया जा रहा था इस आंदोलन में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। भैया अगर पूछे कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, 1928 में, कहाँ से शुरू हुआ, गुजरात से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ था, तो वहाँ की जो प्रांतीय अंग्रेजी सरकार थी ना वो किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दिया था, जो लगान लेता था ना उसमें और 30% की वृद्धि कर दी गई थी, जिससे किसान क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। उन्हीं के सपोर्ट में आकर बारदोली सत्याग्रह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इनके नाम रियल में वल्लभ भाई पटेल थी, लेकिन सरदार आगे कब जुटा? बारदोली सत्याग्रह में ही बारदोली के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सरदार की उपाधि पटेल को कब मिली? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। याद रखिएगा कब? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। भारतीय एकीकरण के जनक कहे जाते हैं, ये भी पूछा जाए कि भारतीय एकीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि जब भारत आज़ादी तक के इधर उधर खंड टुकड़े में रियासतों में बटा था, तो उन्हें एक करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हीं के सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंचा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई के सम्मान में बनाया गया है, कहाँ है? गुजरात में है। कितना ऊंचा है? 182 मीटर है, फीट में बात करें तो 597 फीट हो जाता है लगभग। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? 182 मीटर है। अब यहाँ से पूछा जाए कि 182 मीटर ही क्यों बनाया गया? क्योंकि गुजरात के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 182 ही है। चलिए, अच्छी बात है। अगला है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की? तो नागानंद की जो रचना की गई थी तो वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का शासक था, जो रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक नामक नाटक भी लिखा। ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन नागानंद ही लिखा था, ये भी आपसे आ सकता है कि रत्नावली किसने लिखा, प्रियदर्शिका किसने लिखा, तो ये भी किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने ही लिखा था। किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने ही लिखा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 25 क्वेश्चन का पूरा हो गया इसमें वीडियो भाई लोग। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। अगला वीडियो का इंतज़ार करना। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।